और राधे राधे का वेलकम टू न्यू वीडियो भाई अगर आप सियाज का डेल्टा वेरिएंट या फिर जेटा वेरिएंट में कन्फ्यूजन में होकर भाई डेल्टा का मैनुअल ले लें जिसका दाम है दस लाख या फिर आप जेटा का मैनुअल ले लें जिसका दाम है दस लाख चालीस हज़ार का मतलब सिर्फ चालीस हज़ार का डिफरेंस है डेल्टा एंड जेटा मैनुअल के बीच में ठीक है तो भाई अब इन दोनों में, में कंफ्यूजन होगी कौन सा आपको लेना चाहिए तो मैं इस वीडियो में तुम तो क्लियर कर दूंगा शॉर्टकट में क्लियर कर दूंगा भाई कि चालीस हज़ार दो या ना दो आप चालीस हजार बचाओ या ना बचाओ ठीक है तो फटाफट से कंपेयर करते हैं कि भाई आप एग्जैक्टली exactly क्या मिलता है आपको दोनों के बीच में सबसे पहले ना एक्सटीरियर की बात कर लेते हैं भाई एक्सटीरियर में आपको यहाँ पे क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है अगर मैं आपको दिखाऊँ आप अगर आप डेल्टा एंड जीटा को कंपेयर करोगे तो एक्सटीरियर में आपको सबसे पहले यहाँ पे कुछ ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं वो है एल ई डी प्रोजेक्ट आपको मिल जाता है इंटीग्रेटेड डेटा दे मतलब डी आर एल मिल जाती है उसके बाद एल ई डी डी एर कॉम्बिनेशन में लैम्प्स मिल हैं तो तीन चार ऑप्शन यहाँ एक्स्ट्रा देखने को मिल जाते हैं उसके बाद एलॉइज़ की एलाइज की बात कर ले भाई दोनों में आपको सेम ही एलाइज मिलते हैं यहाँ भी एंड यहाँ पर ठीक है तो इसमें कोई मतलब एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिल रहा तो बॉडी कलर डोर हैंडल्स यहाँ मिलते हैं यहाँ पे आपको क्रोम में मिल जाते हैं ठीक है तो कोई बड़ी बात नहीं है उसके बाद क्रोम गार्निश मिलता है अब एंड अब कंफर्ट एंड कन्वीनियंस की बात कर लेते हैं तो भाई इस डेल्टा में आपको पुश स्टार्ट स्टॉप बटन नहीं मिलता है बट इस जीटा में वो चीज़ मिल रहा है ठीक है उसके बाद आपको क्रूज कंट्रोल तो सब में मिल जाता है उसके बाद इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ओ भी मिल जाते हैं फोल्डेबल ओ आर वी एम आपको नहीं मिलते हैं वो चीज़ आपको जेटा में मिलता है ठीक है ईल एस एंट्री पलाना ऑटो ए सी वगैरह वगैरह सब कुछ मिल जाता है अब बात करते हैं इन्फोटेमेंट सिस्टम की देखो सेवनटीन पॉइंट एट सेंटीमीटर का टच स्क्रीन आपको यहाँ मिल जाता है भाई देखो अब ज़्यादा मैं आपको ज्ञान नहीं दूंगा ठीक है इतना ही देख के मैं समझ गया कि भाई चालीस हज़ार ये जस्टिफाई कर रहा है तो आप कुछ मत सोचो अगर आपको लेना है सियास तो आप चुपचाप या तो पैसे बचाने हैं तो सिग्मा खरीद लो ताकि आप बाहर से रवा लो या अगर पैसे नहीं मतलब आपके पास पैसा है तो चुपचाप जीटा वेरियंट खरीद लो दस लाख चालीस का वो एकदम ही वैल्यू फॉर मनी है आपके लिए मतलब तो भाई दस लाख चालीस हज़ार में एक बड़ी सीट स्टॉन्ट मिलती है एंड उसके अंदर आपको सब फीचर मिलता है ए टू जेड यहाँ तक तो ही रियर कैमरा तक मिल जाता है भाई हर चीज़ मिल जाता है तो डेफिनेटली गो विद जीटा वेरिएंट ओके तो गाई इस वीडियो में इतना ही अगर वीडियो पसंद आ चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे थैंक यू